हेलो दोस्तों, हमारी सिक्स क्लास का पांचवा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चल रहा है। आपको पता है कि हमने इससे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय हैंड पिकिंग मेथड देखी थी। हमने आपको कुछ गेहूं दिखाए थे, उसमें से कंकर वगैरह हमने दूर किए थे। आज हम 5.2 नंबर की एक्टिविटी लेकर आ रहे हैं। ये चैप्टर में हम सब्सटेंसेस सेपरेट करने की अलग अलग मेथड्स पढ़ाई करने जा रहे हैं। सब हमारे वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स है। आप अपने हाथों से अपने घर अपने कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं अगर आपने ये ख़रीदा हुआ है तो। आज एक और सेपरेशन की पद्धति, यानी कि एक सेपरेशन, दो सब्सटेंस को अलग करने की एक और मेथड जिसको कहते हैं विनोइंग। तो विनोइंग मेथड लेके हम आपके पास आए हैं। विनोइंग मेथड में क्या करना है आपको, ये देखिए। एक जो है विनोइंग बास्केट हमने लिया हुआ है, ये विनोइंग बास्केट है। आपने ये कभी कभी अपने घर में भी देखा होगा या तो कोई गांव भाव वगैरह में भी देखा होगा। इसके अंदर हमने क्या मिक्स किया हुआ है, एक मिट्टी है, सॉरी रेत है। रेत के साथ हमने मिक्स किया हुआ है सॉडस्ट। सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का चूरा। सॉडस्ट और रेत ये दोनों को हमने मिक्स करके यहाँ रखा है। अब ये दोनों इतनी तरीके से घुल मिल गए हैं कि उसको अलग कैसे करेंगे। तो ये देखिए कि उसकी भी एक मेथड है, उसकी भी एक पद्धति है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ इतनी हाइट से हम उसको नीचे ये कापड़ पर गिराएंगे। यहाँ एक कापड़ है, एक क्लोथ रखा हुआ है, उसके ऊपर हम उसको गिराएंगे। और ये क्लोथ जो है उसमें सिर्फ रेत गिरेगी, क्योंकि रेत जो है वजन वाली है, भारी है। और आसपास के पवन में क्या हो जाएगा, ये सॉडस्ट है वो दूर चली जाएगी। ये देखिए, आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करनी है, ये हमने गिरा दिया, देखा ये उड़ रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है सॉडस्ट अलग हो गया और ये सैंड अलग हो गया। तो अगर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट आप करना चाहे तो यही विनिंग बास्केट पर क्लिक कर दीजिए। आप इसे दूसरी बार देखिए कि किस तरीके से ये मिश्रण, यानी कि मिक्सिंग जो हमने किया हुआ है, वो दोनों गिरता है और उसमें से सॉडस्ट हवा में उड़ के दूर चला जाता है और रेत जो है वो कापड़ पर गिर जाती है। तो इसको, ये मेथड को क्या कहते हैं, विनोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन। देखिए, ये सेपरेशन की विनोइंग मेथड है। देखा आपने, ये सॉडस्ट है जो उड़ उड़ के अलग हो गई है और वहाँ उसका एक अलग वो हुआ है और यहाँ रेत इकट्ठी हो गई है, यहाँ सॉडस्ट अलग हो गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2। पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ कैसे करना है ये भी लिखा हुआ है। कोई चिंता नहीं है, आप अपने घर अपने कंप्यूटर पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे जितनी बार आप चाहे, है ना। तो दूसरी इंटरएक्टिविटी लेके, दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।